हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू। वैसे तो लड्डू आपने बहुत बार खाए होंगे नारियल के, लेकिन ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छे लगेगी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक कप मिल्क मेड लिया है और आधा कप मैंने दूध लिया है, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लेमन जूस लिया है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, इसमें मैं डाल दूँगी मिल्क मेड। अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, दूध, ये कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, ये गैस पे मैंने इसको चढ़ा दिया। अब इसको लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे हम। इसको तब तक पकाना है जब तक कि एकदम कढ़ाई छोड़ने लगेगा और एक साथ हो जाएगा, तब तक इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच घी, देसी घी डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, ये एकदम साइड से अब धीरे धीरे छोड़ने लगा है कढ़ाई। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसको मिल्क मेड के बिना बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हो गया है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं नारियल का बुरादा थोड़ा सा भून के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1.5 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको बिना भुने भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हैं। बस भुनने से इसका टेस्ट और थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है तो और टेस्टी हो जाता है। ये हो गया है, तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और ये मैंने एक बर्तन लिया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नारियल का बुरादा मैं रख लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसको, और थोड़ा सा मैंने हाथ में घी लगाया है। अब इसको इस तरह से मैं एक बार और मिक्स करके इसको अच्छे से, उसके बाद मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तो ये हो गया है, अब देखिए इस तरह से हम लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। तो ये मेरा एक लड्डू बन के तैयार है। ये देखिए, तो ऐसे ही मैं सारे लड्डू बना के रख लेती हूँ। तो ये लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब ये नारियल का बुरादा जो मैंने रखा हुआ था उसमें मैं इनको डिप करके एक अच्छी सी कोटिंग दे दूंगी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बस इसमें नारियल में इसको लपेट देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो ऐसे ही सबको इस तरह से इसमें डिप करके एक अच्छी सी कोटिंग दे देंगे। तो लीजिए, तैयार हैं बनके नारियल के लड्डू। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।